to do work is called energy. यानी काम करने की कितनी क्षमता है आप में वही एनर्जी है, यानी वर्क से कोरिलेटेड है एनर्जी. यदि एनर्जी ज्यादा खर्च हुई इसका मतलब होगा कि वर्क ज्यादा होगा, तो जितना एनर्जी खर्च हुई उतना ही वर्क होगा, उतना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा. इसलिए वर्क डन और एनर्जी बोथ आर इक्वल. किसी काम करने में आप जितनी एनर्जी खर्च करते हैं वर्क डन का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होता है, इसीलिए दोनों का यूनिट सेम है जूल. उसके बाद कल मैंने बताया था आपको एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी. एंड वी आर गोइंग टू फोकस ओनली ऑन मैकेनिकल एनर्जी इन दिस चैप्टर, इन दिस क्लास. मैकेनिकल एनर्जी मीन्स ए एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन, ड्यू टू इट्स शेप एंड ड्यू टू और ड्यू टू इट्स स्पीड. किसी मैटर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर उसके मोशन के कारण कोई एनर्जी है, या उसके पोजिशन के कारण एनर्जी है, या उसके शेप में चेंज होने के कारण एनर्जी पोजेस होता है, तो उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. और कल ही मैंने बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी को दो स्ट्रीम में बांटते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी. और दोनों का सम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू माय स्टूडेंट मैकेनिकल एनर्जी. तो फिर बात उठती कि इस काइनेटिकल एनर्जी को हम लोग डिटेल समझे और पोटेंशियल एनर्जी को भी डिटेल समझे. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? ए ऑब्जेक्ट पोजेसेस एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ सर्फेस और ड्यू टू चेंज इन इट्स शेप एंड साइज इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी. ये अर्थ सर्फेस है, ये अर्थ है, और यहां अगर कोई ऑब्जेक्ट है सर्फेस पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं. और यदि ये ऑब्जेक्ट यहां से उठ के इस ऊंचाई तक गया, यानी ये ऊंचाई अगर h है, तो हम कहेंगे कि इसमें पोटेंशियल एनर्जी डेवलप कर गया और इस पोजीशन को a माने, तो इस ए पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि उसका पोजीशन अर्थ सरफेस से एच ऊंचाई पर है. तो जब सर अर्थ सरफेस पे होता है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और जो ही यह अर्थ सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाना शुरू करता है, जो जो हाइट बढ़ती है पोटेंशियल एनर्जी का मान बढ़ता है. तो इस एच ऊंचाई पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई. तो इस पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन क्या होगा, कैसे हम इसका मैग्नीट्यूड जानेंगे? तो कहता है विज्ञान, द वर्क डन ड्यूरिंग कैरिंग, वर्क डन ड्यूरिंग कैरिंग the object from earth surface to a height h at point 1, point A. Work done during carrying the object from earth surface to a height h at point A gives magnitude
of potential energy at point A. अगर कोई ऑब्जेक्ट है अर्थ सरफेस पे और यदि वहां से आप अपने हाथों से या किसी मशीन से उठाकर एक ऊंचाई तक ले जाते हैं, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ता है? इस ऑब्जेक्ट का वेट नीचे की ओर काम करता है, एमजी। एमजी इसका वेट यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसे नीचे की ओर खींच रही। आप उसके अगेंस्ट में उसको ऊपर लेना जाएंगे तो आपको वर्क करना पड़ेगा, और फोर्स कितना आप लगाएंगे इसी वेट के बराबर, उसके बाद वो ऊपर लिफ्ट होना शुरू होगा। वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी जस्ट पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स कौन काम कर रहा? अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी, उसी के बराबर आप फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं। तो आपका फोर्स का मान कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है एमजी, और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड होता है एच हाइट से, तो एम जी एच। एंड दिस मैग्नीट्यूड ऑफ द वर्क डन इज पोजिटिव एज पोटेंशियल एनर्जी इन द ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ए। इट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी पी एट पॉइंट ए इज एम जी एच। This is the equation for the potential energy at any height of any object whose mass differ. यानी potential energy mass पर भी depend करेगा और height पर भी। अधिक बड़ा mass वाला object है और height अगर 10 meter आपने ऊपर किया, एक 100 ton का पत्थर और एक 100 kg का पत्थर, तो उस point पर 100 टन के पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा और 100 केजी के पत्थर में पोटेंशियल एनर्जी कम। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। ओके माय स्टूडेंट्स, इट इज वेरी सिंपल पोटेंशियल एनर्जी। एंड नाउ काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? जस्ट सी, आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब। एक कोई लड़का है जो कनेक्ट करता है, सेकंड में हम जब तक टिक मारते हैं तब तक उसका भाग हटा लगता है, हट जाता है। पता नहीं उसका क्या कारण है कि क्या है, हम कनेक्ट हो ही नहीं पा रहे। वही नाम भी पता नहीं, समझ में आता है, जो आता है चला जाता है। जब तक हम ट्रिक मारने की कोशिश करते हैं तब तक वो फिर आ जाता है। यस, नाउ स्टूडेंट काइनेटिक एनर्जी मीन्स energy in an object by which it do some work due to its motion। कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसमें उसके मोशन के कारण जो काम करने की क्षमता होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। उसका इस टर्म से एक सिंपल तुम समझ सकते हो बेटे, ये मेरी कलम तुम देख रहे हो, ये मैं अभी जो सामने लैपटॉप है उसके स्क्रीन तक ले गया। यस, आप महसूस कर रहे हो स्क्रीन पर कुछ भी नहीं, करेक्ट? लेकिन अगर इसे मैं ऐसे तान के स्क्रीन पर मार दूं तो स्क्रीन डैमेज हो जाए। क्या मतलब हुआ कि सिंपली मैंने इसे टच कराया यानी मोशन अबाउट जीरो रहा तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन जो ही मैंने इसे तान के चलाया, इसमें स्पीड अगर 40 किलोमीटर की रफ्तार मैंने भर दी तो सामने वाला स्क्रीन जो है लैपटॉप का वो डैमेज हो गया, टूट गया। एक इतनी छोटी सी गोली बुलेट जब राइफल से निकलती है तो रफ्तार के कारण वो दीवार में छेद करके बाहर निकल जाती है। किसके कारण? कनाडा के कारण, क्योंकि उसमें रफ्तार बहुत ज्यादा है और उतना ही बड़ा अगर एक लोहे का टुकड़ा दीवार पर हाथ से मारोगे तो दीवार पर कोई असर नहीं होगा, दीवार पर कोई असर नहीं होगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज पोजेसेड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मोशन है तभी काइनेटिक एनर्जी है, अगर मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। My students, तो इस kinetic energy का equation क्या है? जैसे potential energy का आपने अभी equation देखा mgh, उस तरह kinetic energy का equation क्या होगा? चलिए derive करते हैं हम equation। Suppose कीजिए एक कोई object है जिसका mass m है, ये पोजीशन ए पर है और इस पर कोई एक फोर्स काम करता है और इसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है ए, इट स्टार्ट टू मूव विथ एक्सेलरेशन ए, इसका इनिशियल वेलोसिटी यू है और एक्सेलरेशन ए से स्टार्ट करके ये बी तक पहुंचता है, मास वही रहता है, एक्सेलरेशन ए ही है लेकिन यहां पाने के बाद वेलोसिटी इसका भी ओके। माय स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई? तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ऑब्जेक्ट ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू फोर्स एफ, ए इज इक्वल टू एफ बाय एम, where F is the force and M is the mass of the object. Secondly, जो force है वो t second तक काम करता है, force act for t second due to force the velocity change from U to V, t second तक काम करता और वेलोसिटी U से V बदल जाता है, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम U टू V, देन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ मोशन V स्क्वायर इज इक्वल टू यू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, डिस्प्लेसमेंट एस हुआ, ए से बी तक के बीच की दूरी या एस है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसे समझने में किसी को दिक्कत नहीं होगी? और यहां U जो है ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो U क्या होगा? जीरो होगा ना बेटे, ऑब्जेक्ट यहां आता फोर्स लगना शुरू किया तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? U जीरो हो जाएगा ना। हम ये जीरो U इज इक्वल टू जीरो पुट अप करते हैं तो V स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो स्क्वायर प्लस टू ए एस, देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां तक कोई दिक्कत नहीं बेटा, बहुत आसान है। अब हम a का मान यहां पुट अप करते हैं,
ए इज इक्वल टू ए बाई एम पुट अप कर देते हैं, बी स्क्वायर यहां है ठीक है, पुट अप कीजिए, टू इंटू ए इज इक्वल टू ए बाई एम इंटू एस, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको, देयर बोथ ए इज इक्वल टू, अब ये इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू ए एस बाई एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर, तो ये मल्टीप्लाई कर दिए तो होगा वी स्क्वायर इंटू एम इज इक्वल टू टू एफ एस, देयर बोथ ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू एम बाई टू एस, ओके, ए बी इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू एम बाई टू एस, और जब किसी चीज पर फोर्स लगेगा तो वर्क डन होगा निश्चित, तो वर्क डन कितना होता है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू एस, फोर्स का मान यहां कितना आया आपको, बी स्क्वायर इंटू एम बाई टू एस इंटू एस, एस एस कैंसिल, हाफ एम बी स्क्वायर एंड द वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, जितना काम हुआ उतना ही एनर्जी डेवलप की, वो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर एंड दिस इज द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर। इस इक्वेशन किसी को ट्रबल, इस इक्वेशन को समझने में किसी को ट्रबल, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बेटा, तो ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी एंड इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी फॉर ए ऑब्जेक्ट हैविंग मास एम एंड इसके बाद बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे, अगर हम नजर डालेंगे तो हमें बहुत कुछ मिलेगा। जैसे एक टास्क दे देता हूं मैं आपको कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या कोई रिलेशन हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में कोई रिलेशन हो सकता है क्या, माय स्टूडेंट्स आप इस रिलेशन को खोजेंगे कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन हो सकता है, अगर आपको मिलता है तो आपको मजा आएगा इस इक्वेशन को डिराइव करने में, ओके भाई स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है और एक सबसे वाइटल आइटम होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, जो बहुत ही वाइटल है, इसे एक पीरियड में और मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो एनर्जी समाप्त होगा, उसके बाद पावर, दो चार क्लास लगेंगे अभी आपको इस चैप्टर को खत्म करने में, वेल सेल्फ स्टडी कीजिए, नाइन्थ का फिजिक्स किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप किसी भी कंपटीशन का क्वेश्चन देखें तो आप अगर साइंस में 25 नंबर है तो 5 नंबर का तो नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन उसमें मिल ही जाएगा डेफिनेटली, इसलिए अगर किसी कंपिटिटिव एग्जाम को निकालना चाहते हैं बेटे तो नाइन्थ के फिजिक्स को बहुत ही मेहनत से पढ़िए, आपके सपोर्ट के लिए मैं तैयार हूं, अगर एज ए स्टूडेंट आप मुझसे सपोर्ट चाहेंगे तो आई विल गिव यू सपोर्ट, 5 ही लोग लाइव हैं मेरी आवाज सुन रहे हैं, बाकी लोग ऑन करके गायब हैं, मैं देख रहा हूं, सिर्फ 5 लोग लाइव हैं, बाकी लोग ऑन करके